नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ड्यूरसेंस। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ड्यूरसेंस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी आपसे विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो उस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे वो आपके लिए बड़े ही उपयोगी और बड़े ही यूजफुल रहेंगे। ड्यूरसेंस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करो, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। डियरसन, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होते चले। तो देखिएगा, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी है जो हरित ग्रह गैस है? डियरसन, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। सेकंड देखिएगा, सेकंड आपका अमोनिया नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हमने यहां पर बताने हैं, तो राइट आंसर रहेगा डियर सन्स यहां पर आपका ऑप्शन सी, NH43N। ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका थर्ड देखिएगा, कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है, तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन सी, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरिफ्थोलिक अमल। सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अमल है, अमाशय की अम्लता का प्रचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अमल है, राइट आंसर का डिस्टेंस ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है, कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है, डिस्टेंस राइट आंसर रहेगा यहां पर आपका ऑप्शन डी, एंथ्रोसाइट। ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पेंसिलिन की खोज किसने की? पेंसिलिन की खोज डिस्टेंस किसने की थी, पेंसिलिन की खोज, तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है, कौन सी कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है, डियरसंस, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकांड्रिया। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कीटाहारी पादप कौन सा है, कीटाहारी पादप कौन सा है, डियरसंस ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर, यूट्री कुलेरिया। ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है, सौर मंडल में लाल ग्रह बताना आपने कौन सा है, डिस्टेंस राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो मंगल ग्रह है, सौर मंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, डॉट्स किसका लघु स्वरूप है, किसका है, डिस्टेंस राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष प्रक्षेपित उपचार लघु, पथ ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 11 देखिएगा, 11 है, कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है, डियर सन्स राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेल व वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है, डियर सन्स राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए ध्यान से देख लीजिएगा, ये है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा 13 आपका, एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है,
एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? डिस्टेंस ऑप्शन बी, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थिज ऊर्जा अधिकतम है, तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 14, देखिएगा निम्न में से कौन सा तापमान संबंध नहीं है, निम्न में से कौन सा तापमान संबंध नहीं है? डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी -8 डिग्री केल्विन, ऑप्शन सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा एक जूल तुल्य होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/4.2 केल्विन, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा 17, पीसी कल्चर क्या है? डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी मछली पालन है, जो पीसी कल्चर है वो मछली पालन है, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था, कब शुरू किया गया था? भारत में जो पल्स पोलियो टीकाकरण उसका जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर का ऑप्शन सी 1995 में, 1995 सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन डी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा इनमें से कौन सा परीक्षण एचआईवी से प्रत्यक्ष संबंधित है, कौन सा है? ऑप्शन डी एलिसा, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, ए रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया, पारितंत्र शब्द का जो गठन है वो किसने किया था? टेंसले, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 23, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है डियर सन्स, राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन सी पौधे होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है डियर सन्स? ऑप्शन सी एचजी प्रदूषण, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो कौन सी डियर सन्स? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। 26 आपके लिए, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आम तौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आम तौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि यानी दवाई का नाम क्या है? डिस्टेंस ऑप्शन डी पेथिडीन, ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक नहीं है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन है जो विद्युत का चालक नहीं है? ऑप्शन ए हीरा होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 28, निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, क्या है? सबसे ज्यादा है, ऑप्शन बी सल्फर यानी गंधक, बी होगा आपका राइट आंसर। 29 है आपका, चार विलयनों ए बी सी और डी का पीएच मान कर हमसे 245 और 5.5 है, इसमें से न्यूनतम अम्लीय कौन है डियर सेंस? तो कौन है यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन को समझिएगा, चार विलयनों ए बी सी और डी का पीएच मान कर हमसे 245 और 5.5 है, इसमें से न्यूनतम अम्लीय कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित जीवों में से कौन कुटपाद की मदद से चलता है,
कौन सा चलता है डियर सेंस? ऑप्शन सी अमीबा, सी रहेगा आपका राइट आंसर। तो डियर सेंस ये थी आपके विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर सेंस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए डियर सेंस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक डियर सेंस सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।